दुनिया थे, फिर वो ड्यूटी दे के चले गए। हर किसी ने चले जाना है, किसी थे रहना नहीं, ये वक्त हर ते आना है। कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत। लेकिन मैं एक गल कहना चाहना कि अगर मोमबत्ती दे नाल मोमबत्ती टकरा दिती जावे, जल्दी मोमबत्ती दे नाल ते शम्मा दे नाल शम्मा टकरा दिती जावे ते वह भी नाल रोशन हो जाती। सिर्फ तीन शेर पढ़ागा तो तीन शेर तक ही थोड़ा मैं ज़हन पढ़ना है कि 13 साल बाद तुसी बदले हो या मेरे कोई बल्ले पे है। मैं तीन शेर बिल्कुल वादा, तीन शेर मैं तुहानू सुनाने, उस तो बाद मैं फैसला करना भी अगले 2 शेर पढ़ने, क्योंकि हुण अज मैं आया सिर्फ इस वास्ते कि शायद मेरी हाज़री दा दिन इत्थे लिखिया सी, मैं हाज़र हो गया। लेकिन अज तुसी भी हाज़र रहना है तो गैर हाज़र नहीं होना। मैं कहा भी सरकार दी जिहड़ी ज़ात, जो बंदा मोहबत्ती नाल मोहबत्ती टकराती है वह शम्मा भी रोशन हो जाती है। लोग आते हैं कि तुसी कबरां ते क्यों जाते हो, अगर तुसी आते हो कि मसला हल हो जाए तो सुभान अल्लाह चिक हो भाई, तुसी इक कबरां ते क्यों जाते हो। मैं अगर भी अल्लाह की कसम असी कबरां ते नहीं जाते, नहीं जाते कबरां ते नहीं जाते। हो किस तरह मैं कह जी करो भी जेड़ा ना जी बिल्कुल एक कबर वर्गी कबर, वैसे किसी कई नाल खोद के पूरी कबर खोदो तो पूरी कबर नूं विच विच दफनाओ कुछ ना, वैसे खाली कबर बंद कर दो तो बंदा कहे चलो जी इस कबर नूं जाके ज़ियारत कर आइए। महीने बाद हर बंदा उत्थे गया बंदा कभी जाए तो बंदा ही कोई नहीं, शायद कोई नहीं, तुसीं कि यानी कबर ते तो गया लेकिन कबर दे विच ते कोई ना। चलो सवाल ला तुसी जरा थोड़े जे फोन ते मैनूं कह लेना कोई सवाल भाई, कबर ते तो गया खड़ा है पर कबर ही है ना, ये जान के डंडी मार दे भी तुसीं कबर ते जांदे हो भाई, तू कट उत्थे खट कबर, जे मैं वाग जावां ते गल है उस कबर च रख फरीद नूं, उस कबर च रख आया गुलाम फरीद, उस रख किसी अल्लाह दे वली नूं नेक ते साले नूं, हाँ सी फिर जावांगे क्योंकि उहदा तल्लक अल्लाह नाल है, अल्लाह दा वली है, सिर्फ वली नहीं है। डंडी ना मारी कर, मैं कबर ते नहीं गया, हालांकि कबर बनी सी मैं नहीं गया, पर उस कबर दे विच कोई आया है, कल्ली कबर ते मैं कदी नहीं गया, नहीं समझी। ये आते तुम कबर ते जाते हो, नहीं कभी कबर ते नहीं गया, 24 घंटे उत्थे खड़ा रहांगा कबर ते नहीं जावांगा, तो जो कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाएगा मैं फिर जाऊँगा, हम कबर खाली नहीं अगे कबर सी, लिहाजा जनाजे की इजाजत लैन लगे भी आने मियाँ वली इजाजत देवे तो जनाजा शुरू करिए, जो बच्ची की शादी हो वली कितने है, वह निकाह पढ़ाना है वह भी वली होंगे, लेकिन अल्लाह का वली नहीं होंगे, लफ्ज़ वली इस्तेमाल होंगे, लेकिन जो कबर वाले को जाने उदो ना कोई जनाजे वाला वली होंगे तो ना शादी वाला वली होंगे, वह अल्लाह का वली होंगे, तो अल्लाह का नूर तो अल्लाह की मुहब्बत का नूर इरफान का नूर जो वली के अंदर आता है तो वह बका टच हो कि खुद बका बन जाता है। आचो कुछ मान ला कह लो मैं क्योंकि अल्लाह तो बका है ना, बंदा चलो फना है लेकिन जो अल्लाह वासल हो जाता है, जो अल्लाह की मुहब्बत लैके दिल चलता है अल्लाह का, मैं हाथ बन जाना, पैर बन जाना, अखा बन जाना, तो मुझे जो वासल इलाहिया हो जाता है तो फिर वो भला मर सकता है क्योंकि अल्लाह तो मौत नहीं ना है, तो जो अल्लाह वे च आ जाता है आए तेरी सुभान अल्लाह, मैं 13 साल बाद जब अल्लाह नाल बंदा वासल हो जाए तो फिर वो मर नहीं सकता।
जो सैयदा का नहीं है वो कहीं का नहीं मुहद्दस मुफस्सिर ए शेखुल कुरान बता तुझको किसने किया मुसलमान मुहद्दस मुफस्सिर ए शेखुल कुरान बता तुझको किसने किया मुसलमान वादों का पता सच बता तुझको किसने दिया है वादों का पता सच बता तुझको किसने दिया है जो वली का नहीं ये तो आंखों में आंसू तो मुकद्दर से आएंगे लेकिन वो शेर मैं अगला पढ़ने जाला हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपके शेरों में एक अजीब सी तहारत है जो उस सुबहानल्लाह कह कह के और आपके शेरों पे आ गई है जहरा की अजमत को तसलीम कर मोहम्मद की बेटी की तज़ीम कर जहरा की अजमत को तसलीम कर मोहम्मद की बेटी की तज़ीम कर क्योंकि फातिमा का हया जो करे ना वही बेहया है करता है वो 5 सेकंड हाथ नीचे न करे मुस्तफा देख लेंगे कि कौन हया वाला बैठा हाँ फातिमा का हया जो करे ना वही बेहया है फातिमा का सहरा की अजमत को तस्लीम कर की बेटी की तज़ीम कर फातिमा का हया
जो करे ना वही बेहया है, वही बेहया है। लिहाज जोड़ के गल करना पैन ऐ मेरी गल जहन च रखना, दो मिसरे च इस्लाम है, दो मिसरे च इस्लाम पे कुछ जीना चाहता तो दो गलां सीख लवे, एक गल जहन पट दिल बल लवे। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे सूरह हुजरात याद रखनी, 26 पारा याद रखना है, ते फौक सौत नबी, नबी तो आवाज़ उच्ची नहीं करनी, ठीक है जी, ये अगर उच्ची नहीं करनी जी की नहीं करनी, आवाज़ उच्ची नहीं करनी जी की नहीं करनी आवाज़, तो क्यामत तक निलान होएगा भी अहले माशर कोई बंदा औरत जो भी अहले माशर खड़ा है अपनी अख नीवी रखो, क्योंकि मेरे पाक महबूब की बेटी का गुजर होने लगा। मालूम इतने हो गया दो ही मिसरे इस्लाम है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ उच्ची नहीं करनी, तो सैयदा पाक के सामने अख उच्ची नहीं करनी। सौ के सुने जाइए या जा के सुने जाइए, इस्लाम इन दो लफ्ज़ परोया है, मुस्तफा के सामने आवाज़ उच्ची नहीं करनी क्योंकि बोला, और जहरा पाक दे अगे अख उच्ची नहीं करनी, बंदा कामयाब हो जाएगा। तूने जो किए मवादत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं, अजरे रिसालत नहीं। हालांकि हुजूर ने मवादत मंगी सी पर तू ना देती, मवादत मुस्तफा ने मंगी सी कि ऐ मैं तेरे को ना अपनी करीबी वास्ते मुवद्दत मंगना, तू सब उम्मत में सबक दे रहा, उम्मत में मदरस दे रहा, पैगाम याद दिवा रहा। उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है, उम्मती सच बता, उम्मती सच बता, हुई जब लहद में रख ली नबी ने मेरी आबरू, मुस्तफा ने कहा ये जो हाकिम है मेरा गदा है, जो अली का नहीं, तूने जो किए बड़ा कीमती शेर तुम थोड़े उत्तों लगे मैंने समझ आई, लेकिन तुम बात सुनोगे तुम समझ कि बड़ा वाला शेर जैसे जाकर बैठे। तूने जो किए मवादत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं, उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है, उम्मती सच बता, तूने जो किए मवादत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं, उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है, जो वली का नहीं, तूने जो किए मवादत नहीं, कसम से ये अजरे रिसालत नहीं, उम्मती हाथ उठाएगा, उम्मती सच बता क्या यही उस अता का सिला है, जो वली का मैं करीब आ गया मंजिल दे। अज तुसा बड़ा खूबसूरत पैगाम सुनिया, मैं क्योंकि करबला वाले का जिक्र इस अशरे च हो रहा है, मुहर्रम उल हराम के खसूसी अयाम है, उन्होंने क्यों ना है, तो हर बंदा सुन भी तैयार है तो करन भी तैयार है कि मौला हुसैन का जिक्र होना चाहिए। बस एक मैं
रंग जड़ा है वो पेश करके पांच अशार की हाजिरी में खड़ा तो जो करना जरा नमाज पढ़ी जा रही है इधर सरकार का हुजरा है हुजूर थोड़ा जहा पर्दा उठाने कोई है इस अदा तो सुभान अल्लाह इस तो बाद मैं मनाकिब के दो शेर पढ़ने एक शेर पढ़ के तुहानू अगले साल तक जे तो फिर वो गल ना बनी तुहानू तड़पाना है इधर सरकार का हुजरा जेडे मदीने गए उन्होंने पता मैं की कह रहा तो इधर मस्जिद नबी का जाजुल जन्ना जिते साहबा नमाज पढ़ रहे हजूर परदा चुकते हैं नमाजी ने वेख तो मुस्कुराते हैं नमाजी की कदर अज सलाम फिरे नहीं तो पहले हजूर वाल वेखने शुरू कर देते हैं सवाल यह भी अदा है आंदा नमाज से जी नबी का ख्याल आ जाए तो बातल हो जाती टुट जाती मैं कह सहाबा तुसे गला वो तो वेखते पढ़ते पे
तू ख्याल की गल कर हजूर वेखने सरकार वेखते फिर की कहता हजूर थोड़ा जहा पर्दा थले कर लें फिर नमाजी सीधे हो जाते जो फिर पर्दा चुकते सरकार तो फिर उतना वेखने चुप है मंजर चल रहे तो की कह रहे हैं माया वेख के सूरत तेरी माया वेख के सूरत तेरी बच्चों का खेल नहीं है माया वेख के सूरत तेरी नमाजियां कबे भूल गए माया वेख माया वेख के सूरत हाथ में आके लहरा के दा दे माया देख के सूरत तेरी नमाजियां कबे भूल गए ओ जतन ज़ियारत तेरी नमाजियां कबे भूल गए माया देख के सूरत तेरी नमाजियां कबे भूल गए अभी थोड़े इश्क का इम्तिहान लैन लगा थोड़ा जहा ये वो गल करार कर सुना रहे जी इश्क सुन सकते गुलाम कह रहे ना भी अल्लाह करे परदा उठ जा रहे जान च जान अखियां ने पढ़ने नु मंगे कुरान नमाजियां कबे भूल गए माया दे सूरत तेरी साड़ी पंजाबी च ना थोड़ा जिहा मतलब आखिरी शेष कलाम दा कि बंदा टुरदा टुरदा थक जावे ना तो असी एक लफ्ज़ जुमला पंजाबी एक लुगत का जुमला मैं तो हुट गया थकने नू हुट भी आ हुट अच्छा तक तक मुख तेरा अख नहीं ओ हुटनी तक तक मुख तेरा अख नहीं ओ हुटनी सामने जे बैठा रे नमाज नहीं उजड़ी चौक बसा दे मेरी उजड़ी चौक बसा दे मेरी ते मोड़ मेरे वाल भागा सुफने विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र न जागा तक तक मुख तेरा अख नहीं उठनी सामने जे बैठा रे नमाज नहीं टूटनी ऐसी सोनिया वजाहत तेरी ऐसी सोनिया वजाहत तेरी हाथ उठा के कहना नमाजियां नो काबे भूल गए माया देख के माया देख सूरत तेरी नमाजियां इन्हें तरला तो लेना थोड़ा बड़ा रस वरना तो इश की तोहीन हो जाने सी तरला ना लेने तक तक मुख सामने जे बैठा रे नमाज नहीं टूटनी ऐसी सोनिया वजाहत तेरी ऐसी सोनिया वजाहत तेरी ऐसी सोनिया वजाहत तेरी नमाजियां कबे
सूरत तेरी नमादी वे भूल गए करबला वाले नजर और दो शेर अली की करबला वाले प्यार बैठे पुछ कर बड़ी धरती ते पुछ कर बड़ी धरती ते पुछ कर बड़ी धरती ते कि नयाण के कर बड़ी धरती ते कि नयाण के खेमे लाए ने ए आम मुसाफिर ना समझी आगे बैठो तो याद रहना मुसाफिर ना समझी ए शहर मदीने आए आम मुसाफिर ना समझी आम मुसाफिर ए शहर मदीने अखियां चो अथरू डुल गए सानू अपने गम भी भुल गए जेड़े तपदी रेत ते रुल गए ए पाक बतूल दे जाए ने मुसाफिर ना समझिए शहर मदीने आए ने आम मुसाफिर ना समझी इस तरह आखिरी शेर है सुरेंद्र भाई अल्लाह थोड़ा ये वजू कबूल फरमाए ये मैनू शेर पता नहीं मैं जदों तू शायरी करना पे ये शेर मेरी अजहान चलो और मेरे ख्याल अक्सर तवाफ मैं इस शेर का करता रहना कदी अकबर असगर अकबर और असगर ए मौला हुसैन के पुत्र ने कदी ओन मोहम्मद वारे ओन मोहम्मद सैयद ज़ैनब के बेटे ने असगर ते अकबर मौला हुसैन दे पुत्र ने ता वंड करदा पे तक शेर मजा दा तो समझ आ जाए कदी अकबर असगर तोरे ने कदी ओन मोहम्मद मोहम्मद वाले ने हाथ जुड़ी खड़ा तो यूं करना जरा लाए ने आम मुसाफिर ना समझी ए शहर कदी अकबर असगर तोरे ने कदी ओन मोहम्मद वारे ने कुछ कर्ज खलील आम मुसाफिर।
काफिर ना समझी ए शहर मदीने हो आए ने पुछ कर बल्दी धरती ते और आखिरी शेर तो जो है इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भा रही है। भाई कहते गाजी अब्बास ने तो उसे सुना है कुछ याला ना कहो जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह चले गए जो खैमे सन ना वो जो खैमे सन हूँ तो सफर रखना है। मैं समझागा तुम बहुत कुछ सुन लिया करे शेर समझ गए थे वरना फिर मैं समझागा कि शायद मैं नहीं समझा सकिया। एक मदीना वो जिते मुस्तफा का रोजा है लेकिन शहरों के कोल जी ये तो जौक होंगे कि उसकी गलू जरा कुछ नुकता बयान करना होंगे खेमे हुसैन दे ओ जल पे यार दे खेमे हुसैन दे छुटदा पिया अब्बास तू मदीना अब्बास दा छुटदा पिया अब्बास तू मदीना अब्बास दा अब्बास पढ़े गम दी
कैफियत गुजरी तुसा बड़ा कमाल सुनिया आखिरी शेर मौला कायनात दी बारगाह मैं एक मैसेज देना है लिख लैण नाल अली सुनना है तो लिखना तख दिल की तख्ती ते मैनू कह रहे भाई कि जनाब बंदे इंज गल्लां करदे पए ने इंज फेसबुक खुलियां करी ने यूट्यूब ते इंज हो रहा है इंज गल्लां हो रही ने मैं क्या गल्लां की होनी है यह गल जो होगी तो फिर कोई गल नहीं होगी अली होवे पीर ते नहीं अली होवे पीर ते नहीं किदा किदा पीर है अली हो 5 सेकंड मेरे नाल गल कहनी तू सर मैं हौली पढ़ना है अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराए हाथ खड़ा करना गल नहीं बनदी जरा जुबान नहीं कहो जरा अली होवे पीर ते नहीं अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा जिन्ना कोई दुख देवे हस के वखाईदा अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा अल्लाह तानू अली दे रोजे दी ज़ियारत करावे ऐ जिहड़े थोल तो इधर बैठे ने मैं थोड़ी आवाज़ सुन थोड़ी सुनना चाहना एडा सोहना मिसरा ना कि कम आ जाएगा मैं हौली पढ़ना जान के हौली पढ़ना थोड़ी आवाज़ सुनने वास्ते मजमा जो सोहना सुर च बैठा अली होवे पीर ते नहीं तो मेरे नाल एक गल कहनी है अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा अली होवे पीर ते नहीं जिन्ना कोई दुख देवे हस के वखाईदा अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा फतेहपुरा लियो जो शादी किसी बच्चे की करते तो कार्ड भेज दो बरादरी अले फिर वो आते हैं बेली भी आते हैं कार्ड भेजिए तो आ जाते हैं तो फिर टेंट थले बह के रोटी खाते हैं तो फिर जान लगे न्योंदरा दे आने बया तेरा मेरा न्योंदरा है जी न्योंदरबाजी रिश्तेदारी तो मैं एक शेर पढ़ना है इस तो बाद दिल करे सोचना है भी न्योंदरा किनू देना है तो किन को लेना है ऐसे बंदे नाल नहीं सांगा बनाईदा ऐसे बंदे नाल नहीं सांगा बनाईदा ऐसे बंदे नाल नहीं सांगा बनाईदा जिन्ना कोई दुख दे हस के वखाईदा अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा अली होवे इस तो बड़ा शेर मैं की पढ़ना और जस लेना स्कूल एक बच्चे दाखल करन पर सोच लेना हाँ हाँ परदा जिथे ना पढ़ाया जावे परदा बतूल दा जिथे ना नसाब होवे अली ते रसूल दा जिथे ना नसाब होवे अली ते रसूल दा इंज दे सकूल च नहीं बारा नू पढ़ाईदा इंज दे सकूल च नहीं बाला नू पढ़ाई मत ये वाली सब गल सच्ची है किसे चंगी लगी आ चुके सुभान अल्लाह जिथे ना पढ़ाया जावे परदा बतूल दा जिथे ना निसाब होवे अली ते रसूल दा इंज दे सकूल च नहीं बाला नू पढ़ाईदा इंज दे सकूल च नहीं बाला नू पढ़ाईदा जिन्ना कोई दुख देवे हस के वखाईदा अली होवे पीर ते नहीं हाकिम अली अते ज़हरा दे चैन
घर नु लुटा के सन दसिया हुसैन की दसिया दसिया सामने यजीदियां दे शरण झुकीदा सामने यजीदियां दे शरण झुकीदा जिन्ना कोई दुख दे हस के वखाईदा अली होवे आखिरी बारी हाथ लहरा के कह दियो अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराईदा अली होवे होवे اس وقت تو موضوع نہیں ہے بس ٹھیک ہو گیا میں علی جی شان دا ایک شعر پڑھ دینا اچھا میرا اتنا کلام ہے کہ میں اگر دوبارہ 20 سال تک پیچھا جا تو میں پھر پڑھنا شروع کروں یہ انہیں کلام تھی ایک رات اتنا نہیں سن سکتے پھر میں شاید وہ کہہ رہا پتہ نہیں پتا آگم صاحب نے تو دوسرے دن پھر نواں پڑھ دینا تو بہتر کسی نواں ہی سن لو کیونکہ ہوں بندہ ضد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تھوڑا مہمان ہاں بس مہربانی فرمائیں شاہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں سی چلے گئے دعا بھی ہو گئی اس کے باوجود میں تھنوں پھر کر دعا تک لے آیا جس محفل کی دعا ہو جائے اس کے بعد پڑھنا دعا کو نہیں لگتا پوچھ نبی کو لو علی دیا شان علی کو لو کیوں سڑنا ہے دس کیوں سڑنا من جا نبی دی آل بندے دا پتر بن زداں ایویں پال بندے دا پتر بن من جا نبی دی آل بندے دا پتر بن اوے اوقات تیری کی ہے رکھنا ایک قدورتا تو اگلی لائن تے جنہ اونچی بول سکتے ہاتھ چوکے بولنا اگر دل بولے تے اوقات تیری کی ہے رکھنا ایک قدورتا تو اے شجرا نسب سنبھال بندے دا پتر پوچھ نبی کو لو علی دیا شانا تم علی کو لو کیوں سڑنے آئے دس کیوں سڑنے تھک گیا کہ کسی نہ بولے گل دل والی دس بے ایمانا تو علی کو لو کیوں سڑنے آئے دس کیوں سڑنے آدم صاحب علی کا دو تک رہنا ہے دماد نبی تے شیر جلیدہ مٹ نہیں سکنا نام علی دا علی رہنا جدوں تک نے ازانا تو علی کولو کیوں سڑنا دس کیوں سڑنا اسی تھوڑے مہمان تو سی اپل کے ہیں تو ہر بندے تھے مہمان ہی ہیں لگ رہا کہ سمجھے تھے اچھا وکھ ہے در تو کانو ہونا وکھ ہے در تو کانو ہونا چار دن دا تمہیں پرونا زد ہوندی نہیں ہو چنگی مہمانا تو علی کو لو کیوں سڑنا بعد اب کھڑے ہو جائے کل بروز منگل ایک شیر سلام کا پڑھ دے پھر دعا ہوگی مصطفیٰ جان رحمت لا شمع بزم ہدایت پہلا ہاں جی سہانی گھڑی چمکا تیبہ
चां उस दिल फरोजे सात बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला या इलाही सदके आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। एक ऐलान समाप्त फरमाएं कल बरोज मंगल बामकाम मिठा असर वर्सी बैन मेन में एक अजीम शान महफिल बाद नमाज जोहर मुनक़िद हो रही है महफिल ज़िक्र हुसैन जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहब आफ़ग़ाने वाल आपका खिताब होगा। सब दो शिरकत फरमा कर सवाब दरन हासिल करना। दुआ इबादत का मगज़ है, पता नहीं किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। खलूस दिल से गुंबद खजरा का तसव्वुर करते हुए हाकिम साहब के साथ इस दुआ में शामिल आई दी बाबरकत और पुरनूर महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्होंने पाक नवासे दे जिक्र दी महफिल जिन्हें दोस्तों ने सजाई तमाम मुंतजमीन नूं और जितने भी अहले खाना ने इस जो भी नज़र न्याज पेश की लंगर की शक्ल लाइटिंग की शक्ल साउंड की शक्ल दोस्तों बुलाया सुनया ए मेरे मालिक रहमत लिल आलमीन सदका ये सारी हाजिरी सब की कबूल फरमा। ऐ रब जलाल को बीमार है तो बीमार करबला सदका उसको सिफाए कामिला आज अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मेरे मुल्क के पाकिस्तान की ताकायमत खैर फरमा, इस मुल्क रहने वाले की खैर फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन सज्जादे करबला सदका बीमार करबला सदका। ऐ मेरे मालिक उन्होंने इबादत सदका सानू सारे पांच वक्त नमाजी बना। ऐ रब जलाल सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके साडे सीना विच हुजूर दी मोहब्बत मुइज़न फरमा। ऐ अल्लाह पाक कश्मीर बिलखसूस मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों नो और मकबूजा फलस्तीन के मुसलमानों नो ए खाल के कुल रहमत वाली चादर का सदका हुजूर दी पाक नालैन का सदका हसनैन करीमैन का सदका और उन्होंने पाक वालिदैन ताहिरैन का सदका अल्लाह इन्हां जिहड़ी मैं दुआ च शमूल फरमाए मकबूजा फलस्तीन नो और मकबूजा कश्मीर नो जल्द खित्ते आज़ादी अता फरमा। सानू सारे नू कुरान पढ़न दी और समझने तौफीक अता फरमा। मौला हसन मौला हुसैन सैयदा पाक मौला अली सरकारी मदीना इस पंज तन पाक दे नाल हर घर नू मुहब्बत कर तौफीक अता फरमा, हर दिल नू मुहब्बत कर तौफीक अता फरमा। अज़हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हया और अदब कर तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात अपने पाक महबूब दी सोहणी पेशानी दे सदका हसनैन की हर नानी का सदका साड़ी दुआ में कबूलियत शर्फ कबूलियत फरमा। अव्वल खैर आखिर खैर जाहिर खैर बातिन खैर बिलखसूस जवार भाई परदेसी चैन जिथे भी इन अल्लाह उन्होंने अपनी हिफ्ज़ मान च रखे उन्होंने वालदा मरोमा अल्लाह उन्होंने जवार रहमत जगह ता फरमाए और सैयदा पाक दी पाक नालैन सदका अल्लाह उन्होंने सवीरा कबीरा गुनामा फरमाए और जन्नत आला मकाम और बीबी पाक का साथ और कचहरी ता फरमाए। अल्लाह पाक होर भी इस खानदान जितनिया बीबियाँ दुनिया तो रुखसत हो गई या मर्द दुनिया चले गए वो जवान होए बूढ़े होए कुछ जिस उम्र च भी गए मेरे मालिक उन्होंने हबीब दी पाक रहमत वाली चादर सदका बख्शिश अता फरमा। इस पूरे इलाके की खैर फरमा होर भी इस महफिल जिन्हें कोई दिल कोई मुराद लेके आया कोई आस लेके आया तू बेहतर जानना मेरे मालिक वो भी पूरी फरमा। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इला अल्लाह बिलखसूस दुआ करो कामरान भाई की वालदा अलील अल्लाह ताला उन्होंने सरकार की पाक अम्मी सईदा आमना का सदका सेहत कामल अता फरमाए और भी किसी की माँ भैन कोई खाला कोई भी बीमार है वो वेड़े च हैं हस्पताल च हैं या रूहानी हैं जिस्मानी हैं जहनी हैं अल्लाह महबूब दी हर अदा का सदका और खैर निसा का सदका सईद शहदा का सदका अली उल मुर्तज़ा का सदका सब की खैर फरमा सब का भला फरमा।
ऐ मेरे मालिक को रिजक की कमी है तो रिजक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक को किसी को नौकरी नहीं, जॉब नहीं है, कोई तजारत नहीं है, अल्लाह तआला तो बेहतर सबब बना। जेड़े मेरे मालिक घर लोग बेचैन हैं और उन्होंने इज्जत और आबरू तो तू ही रख है, अगर किसी की बेटी जवान है उस वास्ते मुतबर और इज्जत वाला रिश्ता उन्हें ता फरमा। ये बेहतर सबब तू पैदा कर सकना है। ऐ मेरे मालिक तमाम मुसलमानों में इतफाक अता फरमा, इतिहाद अता फरमा। जिन्होंने दुआ ते आमीन आख्या, चाहे दिल च आख्या या जुबान उच्ची आख्या, तू समी बसीर है, तू सब दी सुनना है। मैं गुनागार, मैं तेरे को की मंग सकना, तू आप दिल देवन हार ते पालन हार है। साढ़े सारे ने सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। साढ़े च कोई भी नहीं बड़ा ऐसा है जिहड़ा माण करके दुआ करे कि मैं बड़ा ठीक हाँ तो बाकी नहीं। इस मजमे के अंदर कोई ऐसा भी है खोरा जुतियां को हो सकता साढ़े नाल चंगा हो, अल्लाह तआला अगर वह चंगा लगता तो वो सदके साड़ी दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिही वअसहाबिही ज़ुर्रियातिही अजमईन।